हम तो केवल अपनी बात कह रहे हैं आपके माध्यम से। हम चाहते हैं कि देश के लोगों तक ये बात जाए कि ये कहां तक जायज है कि 17-18 की एक गलती उसके ऊपर पूरे खाते सीज कर देना, पैसे निकाल लेना, जितना उनका बनता है उतना पैसा उससे दुगुना तो ले लिया उन्होंने और उसके बाद में बाकी का पैसा सीज कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब कानून अपना काम कर रहा है, आप मुझे बताइए कि अगर 3 महीने 2 महीने बाद में अगर ये फैसला आ जाता है कि ये गलत सीज किए गए इसको वापस खोल दिया जाए, तो क्या आम चुनाव मोदी जी दोबारा करवाएंगे? क्या हमें हमारे पैसे से चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा? तो कभी पुलवामा, कभी नोटबंदी, कभी खाताबंदी, खाते फ्री, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा स्कैम ऐसे करके, और देश में जो अराजकता का माहौल, जो तानाशाही का माहौल, जो हिटलरशाही का माहौल बना करके एक छत्र राज करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि अब देश के हर नागरिक सोचने के लिए मजबूर हो गया है। हर बुद्धिजीवी वर्ग ये बात करता है कि ये हो क्या रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में 50% से ज्यादा लोग, चाहे वो पदों पे बैठे हों, आरएसएस के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारी पार्टी के अंदर। केवल परसेप्शन सेट करने के लिए कि बाकी कुछ है ही नहीं, इसलिए आनन फानन में हर दल को तोड़ करके, डरा करके, धमका करके ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, जिससे ही परसेप्शन मिले। ये जो जा रहे हैं इनको कुछ नहीं मिल रहा है भाई साहब, समोसा और बिस्कुट भी नहीं मिलेगा। पार्टी की मीटिंग में ही नहीं बुलाएंगे तो समोसा बिस्कुट कैसे मिलेगा आप बताओ? आप मीटिंग में कोई बुलाता है, आता है तभी तो उसको नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है। इनको चाय भी नसीब नहीं होगी, लेकिन एक परसेप्शन सेट करने के लिए इनका जो मॉडल है उस मॉडल को प्रयोग करके सबको डरा धमका के, पुचकार करके, बहला करके और ले जा करके एक परसेप्शन सेट कर दो कि हमारी आ रही है। मुख्यमंत्री जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं, 25 आएंगी, 5-5 लाख से जीतेंगे। ऐसा कर क्या दिया आपने? ऐसा क्या कर दिया 3 महीने में कि यहां आप वोट मांगने जाओगे? हमारी सरकार ने जो 5 साल में काम किए, अगर उसका 1% भी काम कर दें तो हम मान जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने या सरकार ने, बीजेपी ने कुछ किया है। आज लोग मारे मारे घूम रहे हैं, हॉस्पिटल के सामने तड़प रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है, दूसरी स्कीम इनकी काम नहीं कर रही है। आज इंग्लिश स्कूल की मीडियम की स्कूलें खोली वो बंद हो रही हैं, बच्चे कह रहे हैं हम कहाँ जाएं, गरीब का बेटा पढ़ नहीं पा रहा है। ये हो क्या रहा है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।